गाइस गुड मॉर्निंग, मॉर्निंग हो चुकी है और उठते ही मैंने अपने बालों में प्रोटीन मास्क लगा लिया, तो क्योंकि मेरे को आज अपने आप को पूरा कंप्लीट पैम्पर करना है। अगर आप जानना चाहते हैं कि मैंने कौन सा प्रोटीन मास्क लगाया है और इसका रिजल्ट इतना ज्यादा बेहतरीन है कि आपको कभी भी फ्यूचर में सलून नहीं जाना पड़ेगा, एटलीस्ट अपने हेयर्स के लिए, आपके हेयर्स ऐसे लंबे भी होंगे, घने भी होंगे और शाइनी बहुत ज्यादा हो जाएंगे, तो चलिए आप मुझे कमेंट करना, तो डेफिनेटली मैं इस पे भी वीडियो लेकर आऊंगी। और मॉर्निंग में उठते ही मेरा डेली का रूटीन है कि मैं हाफ ग्लास पानी लेती हूँ और उसमें ऐड करती हूँ आंवला जूस। ये पतंजलि का है, बहुत ही ज्यादा इफेक्टिव है। जब से इसको मैंने लेना स्टार्ट करा है, मुझे अभी 3 मंथ्स हुए हैं, तो मेरे को एक तो कॉन्स्टिपेशन की प्रॉब्लम खत्म हो गई है और मेरे बाल जो थे वो पहले बहुत ज्यादा पतले हो गए थे तो वो बहुत अच्छे हो चुके हैं। इनफैक्ट जो आंवला होता है उसमें विटामिन सी, विटामिन ए बी कॉम्प्लेक्स, पोटेशियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, आयरन, कार्बोहाइड्रेट और ऐसे एसिड पाए जाते हैं जो आपके पूरे बॉडी के लिए ना वरदान का काम करते हैं। तो मैं भी आपसे कहूंगी कि आंवला जरूर लें, एक तो आपको फ्यूचर में कभी डायबिटीज नहीं होगी, आपके शरीर में जितना भी बड़ा हुआ कोलेस्ट्रॉल है वो खत्म हो जाएगा, आपकी स्किन बहुत यूथफुल और यंग बनेगी, आपका डाइजेशन बहुत बेहतर हो जाएगा। अगर आपको भी ब्लॉटिंग की समस्या रहती है, एसिडिटी बहुत ज्यादा बनती है, तो वो खत्म हो जाएगी। इनफैक्ट ये आपकी हड्डियों को भी मजबूत बनाता है, कैल्शियम की कमी को भी दूर करता है और आपको फ्यूचर में आंखों से रिलेटेड, यानी आपकी जो आंखें हैं अगर वो कमजोर हो गई हैं तो उनकी रोशनी बढ़ जाएगी। और अगर आपको घुटनों का दर्द है, जॉइंट पेन की समस्या है या आपके मसल क्रैम्स बार बार होते हैं तो वो प्रॉब्लम भी बिल्कुल खत्म हो जाएगी। क्योंकि गाइस मैं आपको रिक्वेस्ट करूंगी कि अपने पूरे दिन के रूटीन में ना जरूर विटामिन सी इनटेक करें और आंवला उसका बेस्ट ऑप्शन है। अगर आंवला नहीं लेते तो आप लेमन ले सकते हैं, लेमन के साथ में आप ऑरेंज भी यूज कर सकते हैं, लेकिन मेरा ये खाली पेट पीने का रूटीन है। इसको पीने के बाद मेरे जो पीरियड्स थे वो रेगुलर हो गए हैं तो मुझे बहुत ज्यादा फायदा मिला है, अल्टीमेट बेनिफिट्स मिले हैं मुझे इसके। तो यहाँ पर मैं अब पी चुकी हूँ अपना आंवला जूस और अब मैं क्या करूंगी, हाफ एन आवर बाद अपने 5 या 7 आलमंड्स डेली इनटेक करती हूँ, वो भी खाली पेट, क्योंकि जो आलमंड्स होते हैं वो आपके डाइजेशन को अच्छा करते हैं और अगर आपका डाइजेशन अच्छा होगा ना, आपका इम्यूनिटी अच्छा हो जाएगा, तो आपको कभी फ्यूचर में ना हार्ट से रिलेटेड कोई समस्या नहीं होगी, आपकी स्किन बहुत यूथफुल बनाता है, स्पेशली आपके हेयर्स के लिए बहुत अच्छा होता है, आपके पूरे शरीर के लिए ना भीगे बादाम जो होते हैं ना वो बहुत ही ज्यादा फायदेमंद होते हैं। तो ये मेरा डेली का रूटीन है कि आंवला जूस पीने के हाफ एन आवर बाद मैं आलमंड्स लेती हूँ और आलमंड्स लेने के बाद अब बारी आती है 1 घंटे बाद मैं 1 या 2 एप्पल जरूर इनटेक करती हूँ, क्योंकि वर्कआउट से पहले, क्योंकि खाली पेट वर्कआउट नहीं करना चाहिए, उससे क्या होता है आपके बॉडी में एक तो वीकनेस रहती है, आपके अंदर स्ट्रेंथ नहीं रहेगी तो आप ज्यादा अच्छा वर्कआउट नहीं कर पाओगे और साथ में आपको चक्कर वगैरह प्रॉब्लम भी हो सकती है। तो उसके बाद मैं लेती हूँ 2 एप्पल, अच्छे से उसको खाती हूँ चबा चबा कर, देन अपना नॉर्मल वर्कआउट करती हूँ अपने कंफर्टेबल क्लोथ्स में घर पर ही। और आप मेरा ये वर्कआउट फॉलो कर सकते हैं, बहुत ही अच्छा इफेक्टिव है, इससे आपका लोअर टमी अपर टमी बहुत अच्छे से रिड्यूस होता है। और जो मेरे व्हाइट बाल देख रहे हो, ये मेरे बालों की सफेदी नहीं है बल्कि मैंने जो मास्क अप्लाई करा है वो आपको मेरे बालों में दिख रहा है।
तो ये वाला वर्कआउट काफ़ी ज़्यादा इफेक्टिव है, आप भी फॉलो कर सकते हैं। और वर्कआउट करने के बाद अब चलते हैं नहाने के लिए। लेकिन नहाने के लिए मैं अपनी स्किन को पैम्पर करती हूँ वीक में 2 बार। उसके लिए मैं सबसे पहले अपना बॉडी स्क्रब बनाने के साथ साथ अपना फेस वॉश रेडी करती हूँ। मैं मार्केट वाला फेस वॉश बहुत ही रेयर यूज़ करती हूँ, क्योंकि वो आपकी स्किन के लिए केमिकल्स होते हैं, चाहे कितना मर्जी आपको बोलें अच्छे हैं, लेकिन केमिकल्स तो होते ही हैं यार उसमें। तो मैं घर पे अपना फेस वॉश बनाती हूँ, जिसके लिए मैंने यहाँ पे खाली बाउल लिया है, उसमें डाला है कच्चा दूध, साथ में ऐड करा है लेमन। कच्चा दूध क्या करता है, आपकी स्किन को बहुत ही स्मूथ और सफल बनाता है, आपके पोर्स को डीपली क्लीन करता है, आपकी स्किन को एकदम यूथफुल बनाता है और आपकी स्किन को एकदम फर्म करता है। और लेमन क्या करता है, अगर आपके फेस पे छोटे छोटे मार्क्स हैं, दाने हो चुके हैं, पिंपल्स आ रहे हैं या पिगमेंटेशन बहुत ज्यादा है, तो उसको अच्छे से रिमूव करता है। और अब मैं इसमें ऐड करने वाली हूँ 1 चम्मच बेसन। बेसन आपके पोर्स को डीपली क्लीन करता है, आपकी स्किन को यूथफुल और बहुत ही ग्लोइंग इफेक्ट देता है। तो इनको मैं अच्छे से मिक्स कर लूंगी। तो यहां पर आपका रेडी है फेस वॉश। लेकिन फेस वॉश के बाद हम रेडी करेंगे अप्लाई करने से पहले इसको, एक और बाउल लेंगे और उसमें रेडी करेंगे अपना बॉडी स्क्रब। बॉडी स्क्रब इसलिए क्योंकि नहाने जाएंगे तो सारे काम एक साथ करेंगे। तो बॉडी स्क्रब रेडी करने के लिए लेना है आपको एक खाली बाउल। बाउल में आपने डालना है सबसे पहले कॉफी पाउडर। इस तरह से मैं नेस्कैफे के कॉफी पाउच लिए हैं, उनको मैं ऐड कर लूंगी खाली बाउल में। उसके बाद इसमें ऐड करूंगी लेमन अगेन, क्योंकि आपकी जो बॉडी पर पिगमेंटेशन है उसका भी तो इलाज करना है ना, तो बस उसमें लेमन ऐड करिए। लेमन ऐड करने के बाद मैं इसमें ऐड करूंगी पतंजलि का कोकोनट ऑयल। अगर आपके पास कोई और है तो वो यूज कर लीजिए, बट ये मेरी बॉडी को सूट करता है तो मैं ये यूज करती हूँ। उसके बाद मैं इसमें ऐड करूंगी 1 चम्मच खट्टा दही। दही क्या करता है, उसमें होता है लैक्टिक एसिड, जो आपकी सारी पिगमेंटेशन को हटाता है, आपकी स्किन को स्मूथ और सफल बनाता है और आपकी स्किन पर एक बहुत ही ग्लोइंग इफेक्ट देता है, ठीक है। और कॉफी क्या करती है, आपकी स्किन से सारी डेड लेयर को हटाती है, पिगमेंटेशन को दूर करती है, आपकी स्किन को एक्सफोलिएट करती है। और साथ में मैंने इसमें ऐड करा है कोकोनट ऑयल, जो आपकी स्किन को बहुत ही ग्लोइंग और ड्यूवे का इफेक्ट देगा। आपकी स्किन पहले से बेबी सॉफ्ट हो जाएगी और बहुत ही शाइनी हो जाएगी। तो इनको अच्छे से मिक्स करते हैं और चलिए अपने दोनों बाउल्स के साथ चलते हैं बाथरूम में नहाने के लिए। पहले मैं क्या करूंगी, बॉडी स्क्रब यूज करूंगी। बॉडी स्क्रब अपने पूरे बॉडी पे अच्छे से स्क्रब करूंगी, अपने हैंड्स पे, अपने फीट पे, अपनी लेग्स पे, फुल बॉडी पे, मतलब मैं इसको स्क्रब को यूज करने वाली हूँ। अच्छे से अपनी पूरी स्किन को पैम्पर करूंगी, क्योंकि इससे आपकी स्किन बहुत ही ग्लोइंग बनेगी, बहुत ही यूजफुल बनेगी। आपकी स्किन से सारी डेड लेयर पिगमेंटेशन बहुत अच्छे तरीके से रिमूव हो जाएगी और आप देख सकते हैं इसका बेहतरीन रिजल्ट हाथों हाथ। आप देखिए मेरी स्किन पर कितना अच्छा रिजल्ट आ रहा है इसका, देख सकते हैं कितना अच्छा ग्लो आ रहा है मेरी बॉडी पर। रब करते करते आप रिजल्ट देख सकते हैं कि कितनी शाइन कर रही है मेरी बॉडी। आप रिफ्लेक्शन देख सकते हैं कितना अच्छा रिफ्लेक्शन आ रहा है। ये एक्चुअली आपकी स्किन पर ग्लो आ जाएगा, बस बहुत जेंटली आपको रब करना है। और चलिए मैं आपको वॉश करके भी दिखाती हूँ। मेरी स्किन पे शाइनिंग, ग्लोइंग कितनी ज्यादा यूजफुल लग रही है आप देख सकते हैं वॉश करने के बाद। ओ माय गॉड, मेरी स्किन कितनी यूथफुल, यंगफुल और ग्लोइंग लग रही है। तो चलिए अब बढ़ते हैं फेस वॉश की तरफ। अब हम करेंगे अपना फेस को अच्छे से वॉश, जो हमने फेस वॉश रेडी करा है ये बहुत इफेक्टिव है। मैं ऑलमोस्ट टाइम इसी फेस वॉश का यूज करती हूँ। फेस वॉश जो नॉर्मली मार्केट वाला होता है उसको बहुत रेयर यूज करती हूँ, क्योंकि जो बेसन होता है वो आपकी सारी टैनिंग को, सारी पिगमेंटेशन को और अच्छे से निकाल देता है। हमने लेमन ऐड करा है, आपके छोटे छोटे दाने एलर्जी को भी खत्म करता है, एक्ने पिंपल मार्क्स को भी रिड्यूस करता है और साथ में हमने इसमें ऐड करा है कच्चा दूध, जो आपकी स्किन को स्मूथ और सफल बनाता है। रेडी करके देन फेस वॉश करो। आपको मार्केट वाला कोई फेस वॉश यूज नहीं करना पड़ेगा, ट्रस्ट मी गाइस।
तो मैं जब तक नहाऊंगी मैं इसको ऐसी एज इट इज लगे रहने दूंगी अपने फेस पे ज्यादा अच्छे इफेक्ट के लिए। आप चाहें तो इमीडिएटली वॉश कर सकते हैं, लेकिन मुझे हेड वॉश करना है, मुझे खुद नहाना है, तो देन उसके बाद मैं आपसे मिलती हूँ। Guys, I'm so excited. इसका इतना बेहतरीन रिजल्ट रहा है ना मेरे फेस पे, मेरे बॉडी पे। मतलब मैं क्या बताऊँ, जब आप ये पैम्पर करोगे ना अपने आप को, जब फेस वॉश यूज करोगे या ये बॉडी स्क्रब जो मैंने आपको बताया है ना सब कुछ ऐड करके, तो आपकी स्किन इतनी सॉफ्ट हो जाएगी, बिल्कुल जस्ट लाइक बेबी। और इनफैक्ट जो टॉवल होता है ना, जब हम जब नहाते हैं और अपनी बॉडी को अच्छे से क्लीन करते हैं, तो वो टॉवल मेरा इतना सॉफ्ट है ना, लेकिन वो भी मुझे चुभ रहा था, लिटरली आज मुझे चुभ रहा था अपनी बॉडी पर। आपकी स्किन इतनी स्मूथ, मतलब ऐसे लगेगा बस ऐसे ना एकदम फर जैसी होती है ना वैसी हो जाएगी। तो मतलब आप लगा लो जैसे ही मेरा टॉप है ना, ये इतना सॉफ्ट है ना, और ये चीज मुझे आपको अपनी स्किन पर खुद भी करोगे ना आपको चुभेगी, और उसका इफेक्ट देखो आप मेरे फेस पे और पूरे मेरे बॉडी पे। देख रहे हो आप कितना ग्लोइंग लग रहा है मेरा फेस। इनफैक्ट मैंने अभी अपने हेयर्स भी ना सुखाए नहीं है जिसमें नहाई हूं, देखो पानी भी आ रहा है इसमें से ना, झड़ रहा है। तो मुझे लगा कि पहले ना आपको अपना मतलब स्किन बॉडी दिखाना चाहिए, और मेरी बॉडी देखो कितना ग्लोइंग इफेक्ट है, आप देख सकते हो, देख रहे हो कितना ज्यादा ग्लोइंग इफेक्ट आ रहा है मेरी बॉडी पर, और इतनी सॉफ्ट हो रही है, इतनी सॉफ्ट हो रही है ना कि कोई लिमिट ही नहीं है। मतलब तो बस ऐसा लग रहा है कि मतलब सीरियसली अगर आप ब्राइडल हो, आपकी शादी होने वाली है, या फिर आप टीनेजर हो ना, तो ट्रस्ट मी मेरे इस बॉडी स्किन केयर रूटीन को जरूर फॉलो करो, वीक में 2 बार अप्लाई करो, और उसके बाद इसका बेहतरीन रिजल्ट देखो। और इस वीडियो को बहुत ज्यादा लाइक करना, शेयर करना, और प्लीज आपका क्या रिजल्ट रहा ढेर सारी कमेंट करना और ढेर सारा शेयर करना, प्लीज प्लीज प्लीज, नो चीटिंग। तो मैं मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में कुछ नए हैक्स के साथ, कुछ नई टिप्स के साथ। बाय, take care, stay healthy, love you all.